ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तम्ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 अनिर्वाच्य विद्या द्वितयसचिवस्य प्रभवत् विवर्तायस्यैते वियदनीलतेजोपवर्णयः यतश्च भूद्विश्वं चरमचरमुच्चवचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् ॐ शान्तिः 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 अध्यास भाष्य में अध्यास के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। आपके पुस्तक में 47 नंबर पेज अध्यास तो अध्यास मूलक ही होता है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया कि तत्सामान्य दर्शनार्थ प्रत्यक्ष आदि का जो व्यवहार है, चक्षुरादि प्रमाण से व्यवहार हो रहा है, चाहे शास्त्रीय व्यवहार भी क्यों ना हो, ये सब के सब जो है अविवेक पूर्वक अज्ञान पूर्वक ही होता है। तो पशु आदि का व्यवहार जैसे अध्यासमूलक है, वित्पत्ति मताम अपि पुरुषाणा, इसलिए वित्पत्ति वाला शास्त्र ज्ञान को रखने वाला भी उनका व्यवहार भी जो है अध्यासमूलक होता है, क्योंकि जो शास्त्र शास्त्र का ही ज्ञान मात्र हो, परोक्ष ज्ञान मात्र हो, ये अध्यास का बाधक नहीं होता है। तो अध्यास का बाधक ज्ञान तो वही होता है अहमसि परब्रह्म, ऐसा दृढ़ साक्षात्कारात्मक अपरोक्ष ज्ञान, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होता है अध्यास तो रहता ही है। इसलिए सारा व्यवहार, चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो, शास्त्रीय व्यवहार ही दो प्रकार का, चाहे कर्मकांड का व्यवहार हो, कर्मकांड शास्त्र हो, चाहे वेदांत शास्त्र हो, ये जो व्यवहार है ये भी अध्यास मूलक ही है, इसलिए कोई अंतर नहीं का। इसलिए विवेकीनामपि
व्यवहार अध्यास मूलक व्यवहारत्वात् पशुआदि व्यवहारवत् ये हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो आगे देखो, शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी ये चलेगा है। आपके 47 नंबर पेज में ये चलेगा। तो इसके ऊपर जो है टीका है आप देख सकते हो। ये टीका आपके जो है कहाँ से चलेगा देखता हूँ आपको। हाँ ठीक है, स्यात एतत् यहाँ से चलेगा, 48 नंबर पेज देखो, स्यात एतत् से चलेगा। 48 में भामती टीका है, ऊपर से तीसरी पंक्ति है, वहाँ से देखिएगा। स्यात एतत् ठीक हो आपका कहना मानते हैं कि अविद्यावत विषयाणी एवं शास्त्राणी इति सिद्ध, भामतीकार ने कह दिया तस्मात अविद्यावत पुरुष विषयाणी एवं शास्त्राणी इति सिद्धम। अविद्या वाला जो व्यक्ति है उसी में ही शास्त्रीय व्यवहार होता है, लौकिक व्यवहार तो है ही, शास्त्रीय व्यवहार भी अज्ञानी में ही होता है। अब पूर्व पक्षी कहता है स्यात एतत्, टीका में देखिए भामती में स्यात एतत्, वो कहते हैं कि यद्यपि विरोधा अनुपयोगाभ्याम उपनिषद पुरुषो अधिकारे न अपेक्षते। देखो उपनिषद पुरुष अधिकारे न अपेक्षते, उपनिषद प्रमाण से जो प्रतिपाद्य है पुरुष, पुरुष मतलब चेतन आत्मा, उपनिषद प्रमाण से ही जिस चेतन आत्मा को जाना जाएगा उसको कहते हैं उपनिषद पुरुष। तम तु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तो उपनिषद प्रमाण से ही होगा। ऐसा जो उपनिषद पुरुष अधिकारे न अपेक्षते, वो अधिकार नहीं होगा व्यवहार में, वो अधिकारी नहीं बन सकता है। क्यों? विरोध अनुपयोगाभ्याम, उसका विरोध हो जाएगा ना, अरे मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, ऐसा ज्ञान यदि हो जाएगा तब तो विरोध होगा ना, वो व्यवहार कैसे करेगा, वो किसी भी व्यवहार वो कर नहीं सकता, वो और उपयोग भी नहीं है। भाई व्यवहार में उपयोग तो वही होता है, वही आत्मा उपयोगी होता है जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक गोत्र वाला हूँ, मैं ब्राह्मण आदि हूँ, है ना, ऐसा ज्ञान हो तब तो अधिकारी बनेगा। और इससे रहित और कर्ता अभोक्ता वर्णाश्रम से रहित जो शुद्ध आत्मा है वही तो उपनिषद प्रमाण में प्रतिपाद्य पुरुष है, इसलिए अधिकारे न अपेक्षते, अधिकार में उसकी अपेक्षा नहीं होगी अर्थात वो अधिकारी नहीं बन सकता है। फिर भी तथापि हम एक दोष देने जा रहे हैं, ये बताओ तुम्हारा जो वेद है, वेद में तो दो भाग है, एक कर्मकांड है एक ज्ञानकांड है, दोनों में से कौन सा प्रमाण नहीं है, दोनों प्रमाण ही तो है। ऐसा नहीं कि कर्मकांड प्रमाण नहीं है और वेदांत प्रमाण है, ऐसी बात तो नहीं है। कर्मकांड में जैसे प्रामाण्य है इसी प्रकार वेदांत में भी प्रामाण्य है, तब तो विरोध हो जाएगा। विरोध हो जाने से कर्मकांड का प्रतिपाद्य है जो है विशिष्ट आत्मा, कर्ता भोक्ता आत्मा, और वेदांत प्रमाण वेदांत ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य आत्मा है अकर्ता भोक्ता, तब तो परस्पर में विरोध हो जा रहा है। कर्मकांड प्रतिपादन कर रहा है कर्ता भोक्ता आत्मा को, है ना, उससे होने वाला जाग से स्वर्ग प्राप्त होगा, और वेदांत प्रतिपादन करता है अकर्ता भोक्ता आत्मा को, तो परस्पर में विरोध हो गया, उसका विषय अलग है इसका विषय अलग है,
है कि नहीं, तो परस्पर में विरोध हो जाएगा। परस्पर में विरोध हो जाएगा तब तो किसी को ही प्रमाण नहीं मान सकते हो, ना कर्मकांड को प्रमाण मान सकते हो ना वेदांत को प्रमाण मान सकते हो, क्योंकि परस्पर विरुद्ध अर्थ को प्रतिपादन कर दिया ना। इसलिए कह रहे हैं तथापि उपनिषद्भ्यो अवगम्यमानः शक्नोति अधिकारम निरोधम। उपनिषद प्रमाण से जो अवगम्यमान है पुरुष आत्मा है ना, तो अधिकारम निरोधम, और अधिकार का तो निरोध करता है भी। उपनिषद प्रमाण से प्रतिपाद्य जो आत्मा है अकर्ता भोक्ता असंग है, उसका अधिकार नहीं होता है बोल रहे हो व्यवहार में। तब तो तथा च परस्पर अपहतार्थत्वेन, ये देखो परस्पर में विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन किया। परस्पर अपहत, अपहत का अर्थ विरुद्ध, बाधित, तो बाधित अर्थ को विषय करने वाले हो गए ना दोनों, कर्मकांड और वेदांत। इसलिए क्या होगा, कोई भी भाग तो प्रमाण होगा नहीं। फिर कृष्ण एव वेद प्रामाण्यम अपजय्या, इसलिए समस्त वेद वाक्य ही, एक लाख वेद वेद वाक्य ही प्रमाण कैसे होगा बताओ। प्रामाण्यम अपजय्या, प्रामाण्य को भी छोड़ देगा फिर, अर्थात प्रमाण नहीं हो सकता है ना। संपूर्ण वेद वाक्य में प्रामाण्य का त्याग हो जाएगा, प्रामाण्य रहेगा नहीं। तो प्रामाण्य जब नहीं रहेगा तो विश्वास कैसे होगा बताओ। वेद वाक्य के प्रति विश्वास जब नहीं होगा, उससे प्रतिपादित साधन में प्रवृत्ति कैसे होगी फिर, है ना, श्रद्धा नहीं होगी ना। प्रमाण में ही श्रद्धा होती है, जब प्रमाण प्रामाण्य ही नहीं रहेगा तो श्रद्धा कैसे होगी। ये हो गया पूर्व पक्ष नारायण। प्राक्च तब इसका उत्तर दिया जा रहा, फिर हम बताते हैं सुनो। देखो ये भी प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, कर्मकांड भी प्रमाण होता है, वेदांत भी प्रमाण होता है, दोनों प्रमाण है। ये दोनों कैसे प्रमाण होगा, दोनों में से एक को भले ही प्रमाण मान लो, नहीं दोनों को प्रमाण ना मानो। देखो कहते हैं प्राग, भाष्य में देखिए अभी है। तो कहाँ पर आया प्राग, वही सबसे ऊपर, सबसे ऊपर 48 पेज नंबर के लास्ट में देखिएगा, प्राक्च तथाभूत आत्मविज्ञानाद, वहीं से बोलते तथाभूत आत्मा, तथाभूत न उस प्रकार है, तथाभूत का उस प्रकार जो कहा गया, कैसा कहा गया, जो अकर्ता है अभोक्ता है वर्णाश्रम से रहित है शुद्ध आत्मा असंग, ऐसा जो तथाभूत आत्मा विज्ञानात प्राग, ऐसा आत्मा का विज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान होने से पहले प्राग है ना, प्राग के योग में पंचमी हो गई। तथाभूत आत्मा विज्ञानात प्राग, उस प्रकार के आत्मा का साक्षात्कार होने से पहले पूर्व अवस्था में प्रवर्तमानम शास्त्रम, जो प्रवृत्त होता हुआ जो शास्त्र है वही किसको विषय कर रहा है। ज्ञान होने से पहले तो अज्ञानी है ना, अपने को कर्ता भोक्ता तो मान ही रहा है वो। मैं ब्राह्मण हूँ, पति हूँ, अमुक गोत्र का हूँ, है कि नहीं, ऐसा बोलते मेरे दादाजी ऐसे है ऐसे है ऐसे है, मैं अमुक का शिष्य हूँ। ज्ञान मार्ग में भी तो ऐसे तो बोलेगा, और क्या, अविद्यावत विषयतम न अतिवर्तते, इसलिए अविद्यावत विषयतम मतलब अविद्या वाले अज्ञानी को ही विषय करता है शास्त्र है ना, इसलिए अविद्यावत विषयतम न अतिवर्तते, अविद्या वाले व्यक्ति को ही विषय करता है शास्त्रीय व्यवहार। कब करता है, ज्ञान होने से पहले तक करेगा, ज्ञान हो गया तो उसका शास्त्र उसको विषय नहीं करता ज्ञानी को, समझ में ना, ये बता जा रहा है। तात्पर्य क्या निकला, इसलिए व्यवहार तो भी अज्ञानी में ही होता है, ज्ञान जब तक नहीं है तब तक व्यवहार होता है।
अच्छा टीका देख लो भाई। सत्यम उपनिषद पुरुष अधिकमो अधिकार विरोधी तस्मात् तो पुरस्तात् कर्म विधयः स्वोचितं व्यवहारं निर्वर्तयन्तो न अनुपजातेन ब्रह्मज्ञानेन शक्या निरुद्धम्। टीकाकार भामती कहते हैं, भामतीकार, सत्यम तुम जो कहते हो भाई वेद में प्रामाण्य नहीं रहेगा। कहते हैं कि उपनिषद पुरुष अधिगम, उपनिषद प्रमाण से प्रतिपादन कर दिया गया जो पुरुष है, अकर्ता भोक्ता है ना, असंग है, ऐसा जो पुरुष है उसका अधिगम, अधिगम का अर्थ ज्ञान साक्षात्कार है ना, ये होता है अधिकार विरोधी है। वो अधिकार का विरोधी हो जाएगा, वो अधिकार नहीं हो सकता है। ज्ञान हो गया तो कर्म में कहाँ से अधिकार बनेगा, समझ में ना। इसलिए तस्मात तो पुरस्ता, तस्मात का आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान होने से पहले, पुरस्तात का अर्थ पूर्वम, भाषा में जो प्राक था ना उसका अर्थ हो गया पुरस्ता, ऐसा ज्ञान होने से पहले तुमल, किंतु ऐसा आत्मज्ञान होने से पहले कर्म विधय, कर्म का जो विधान कर दिया गया शास्त्र, कर्म विधय बहुवचन है, हरि ही हरि हरय, इसी प्रकार विधि विधि विधय, कर्म का जो विधान है स्वउचितम व्यवहारम निर्वर्तयन्तो, अपने उचित व्यवहार तो, व्यवहार का संपादन तो करेगा ही करेगा, निर्वर्तयन्त का अर्थ संपादयन्त, संपादन तो करेगा। ज्ञान जब तक तो नहीं है, कर्म का अधिकारी तो बनता ही हो है ना, इसलिए कर्म कांड व्यवहार तो कराएगा ही करेगा, समझ में ना, अज्ञानी को मतलब है। ज्ञान जब तक तो नहीं हो रहा है, न उपजाते ना ब्रह्म ज्ञान ना शक्या निरुद्धम। अब आवाज चली गई, फिर आ गई, अभी आ गई, अभी है आवाज आ रही अभी। अच्छा कनेक्शन नहीं है तो देखता हूँ फिर एक बार। चलो तो ये पंक्ति देख लो, सत्यम उपनिषद पुरुषाधिगमो अधिकार विरोधी है। कहते हैं उपनिषद में प्रतिपाद्य जो पुरुष है आत्मा, उसका जो ज्ञान हो गया साक्षात्कारात्मक ज्ञान, वो अधिकार का विरोधी होता है। ज्ञान हो गया तो वो अधिकारी नहीं बन सकता है, ज्ञानी व्यवहार में अधिकारी बनता नहीं है, वहाँ पर व्यवहार का बाद होता है, इसलिए ज्ञानी में जो व्यवहार है वो बाधित होता है। इले तस्मात् तो पुरस्तात्, टीका पढ़ रहा हूँ भाई भामती में, तस्मात् तो पुरस्तात् तू मतलब किंतु, तस्मात् का अर्थ आत्मा का साक्षात्कार, साक्षात्कारात्मक ज्ञान होने से पहले पुरस्तात् कर्म विधयः स्वोचितं व्यवहारं निर्वर्तयन्तो, इले कर्म का जो विधान है, कर्म का विधान करने वाला जो शास्त्र है वो तो अपने अनुकूल व्यवहार तो कराएगा ही, अनुकूल व्यवहार का संपादन तो करेगा, निर्वर्तयन्त वाले संपादयन संपादन करेगा कर्मकांड है ना, इसलिए ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं तो विरोधी कैसे होगा। ज्ञान अभी वो जैसे प्रकाश अभी हुआ नहीं तो प्रकाश अंधकार का विरोधी कैसे होगा, प्रकाश जब अभिव्यक्त होगा दीपक में तब अंधकार के विरोधी होगा। ठीक इसी प्रकार से जो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मान रहा है, समझ में ना, अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है तो कर्म तो होगा ही है ना, विरोधी कहाँ से होगा। इसलिए बोलते हैं न अनुपजाते न ब्रह्म ज्ञाने न शक्या निरुद्धम, ब्रह्म ज्ञान तो अभी उपजात हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान कैसे विरोधी होगा, आगे जब उत्पन्न होगा तब विरोधी बनेगा, इसलिए अज्ञान है ही अभी,
अज्ञान से शरीर आदि के साथ अध्यास है और शरीर आदि के धर्म को अपना धर्म मान रहा है अज्ञानी, इसलिए वो अज्ञानी कर्म में व्यवहार तो करेगा ही करेगा, समझ में ना, ये बोलते हैं। इसलिए विरोध नहीं है, इसलिए जो है न च परस्पर अपहति, पूर्व पक्षी ने जो कह दिया ना कि परस्पर में तो अपहति हो जाएगी, विरोध हो जाएगा, क्योंकि कर्मकांड का प्रतिपाद्य हो गया विशिष्ट आत्मा, कर्ता भोक्ता आत्मा है, और वेदांत प्रमाण का प्रतिपाद्य आत्मा कौन है, अकर्ता भोक्ता, दोनों में तो परस्पर विरोध हो गया। परस्पर विरोध हो जाने से संपूर्ण वेद को ही अप्रमाण माना जाएगा। सिद्धांति कहते हैं क्यों अप्रमाण माना जाएगा, क्योंकि ज्ञान अभी तो हुआ ही नहीं, स्वरूप आत्मा का ज्ञान, अपने को कर्ता भोक्ता तो मान ही रहा है, इसलिए अपने को जो कर्ता, स्वयं को जो व्यक्ति कर्ता भोक्ता मान रहा है ना, स्वर्ग आदि चाहता है, संसार को सत्य मानता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र उद्देश्य करेगा कर्मकांड, है कि नहीं। तो अभी ज्ञान हुआ ही नहीं तो विरोधी क्यों होगा, और संसार से जिसका वैराग्य हो गया स्वर्ग आदि नहीं चाहता है, स्वरूप आत्मा का ही साक्षात्कार करना चाहता है, उसको वेदांत विषय करेगा, फिर कहाँ विरोधी है, ये बोलता है। देखो ठीक है, इसमें उदाहरण भी देंगे, न च परस्पर अपहति, इसलिए दोनों कांड में कर्म कांड और ज्ञान कांड में कोई अपहति मतलब कोई विरोध है ही नहीं, है ना, अपहति का अर्थ विरोध, न च परस्पर अपहति ही, क्यों नहीं भी, देखो हम बताते हैं, विद्या विद्यावत पुरुष भेदेन व्यवस्था उपपत्ते है, एक विद्या पुरुष विद्यावत पुरुष और एक हो गया अविद्यावत पुरुष विद्यावत पुरुष कौन हो गया, आत्मज्ञानी, इसको स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, है कि नहीं, और एक होता है अविद्यावत पुरुष, एक अज्ञानी पुरुष है, अज्ञानी व्यक्ति है कि नहीं, इसलिए जो है दोनों में कहाँ है, वेदांत वाक्य का प्रतिपाद्य आत्मा कौन है, शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है, और कर्मकांड का प्रतिपाद्य कौन है, जो विशिष्ट आत्मा है, कर्ता भोक्ता आत्मा है, इसलिए दोनों की व्यवस्था तो वही बन जाएगी, कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसी अगर उपासना कांड में भी ऐसा ही है उपासना कांड में भी विशिष्ट आत्मा को प्रतिपादन करता है भक्ति उपासना कांड, समझ में ना, और महावाक्य आदि जो वेदांत है वो अद्वैत आत्मा को विषय करता है, तो कहाँ विरोध है, एक का विषय हो गया उपास्य ब्रह्म है, स्विशेष ब्रह्म है, विशिष्ट ब्रह्म है, और वेदांत का है कौन, निर्विशेष परमात्मा है, तो कहाँ विरोध होता है, कोई विरोध नहीं होता है। लक्षार्थ में या अद्वैत है और वाच्यार्थ में क्या है, द्वैत है, तो विरोध नहीं है। इसी पर कर्मकांड में भी समझ लो भाई, इसलिए कहते हैं कि उदाहरण हम देते हैं, यथा न हिंसा सर्वा भूतानी, टीका ले रहे हैं भाई, देखो तो एक कर्मकांड का वाक्य कह दिया, यथा न हिंसा सर्वभूतानी, एक वाक्य हो गया, प्राणी की हिंसा ना करो, और एक कह दिया कि सैनेन अभिचरण जजेत, शत्रु को जो मारना चाह रहा है, अभिचरण क्रिया करना चाहता है, वो सैनजाग करे, हाँ वो तो हिंसा में प्रवृत्त है, उसका शत्रु है, और एक है अहिंसा, है न हिंसा सर्वभूतानि, है ना, तो अहिंसा व्यक्ति को उद्देश्य करेगा, है जो अहिंसक है, अहिंसा का जो पालन करना चाहता है, उसको उद्देश्य किया, न हिंसा सर्वा भूतानि, किसी की प्राणी की हिंसा तुम न करो, और ये जो हिंसा करना चाहता है, शत्रु को मारना चाहता है, अहिंसा का पालन नहीं कर रहा हो, उसको उद्देश्य किया, सैनेन अविचरण जजेत, तो दोनों का विषय एक कहाँ हुआ, एक का अधिकारी हो गया अहिंसक, है कि नहीं,
और एक वाक्य का विषय हो गया हिंसा करने वाला, दोनों का विषय कहाँ एक ही हुआ, दोनों का उद्देश्य अधिकार ही अलग अलग है। तो इसमें जैसे परस्पर में कोई विरोध नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार कर्मकांड और वेदांत में भी कोई विरोध नहीं होता है, इतना समझ लो। ठीक है, देखिए, यथा न हिंसा सर्वा भूतानि इति साध्यांश निषेधे अपि, यहाँ पर साध्यांश का निषेध कर दिया है ना, हिंसा का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। और सैनेन अभिचरण जजेत, अभिचरण करता हुआ शत्रु के प्रति हिंसा जो करना चाहता है वो है सैनेन जजेत, और सैन जाग करे भी, सैन यहाँ पर जाग का नाम है, सैन जाग बोलते हैं, शत्रु के मारने के लिए करते हैं। इति शास्त्रम प्रवर्तमानम, ये शास्त्र जो प्रवृत्त हो रहा है, देखो दोनों का विषय अलग अलग है भाई, न हिंस्यात इति अनेन न विरुद्धते हैं तत्कस्य हेतु पुरुष भेदात, कि न हिंस्यात ये जो वाक्य है उसके साथ कहाँ विरोध है, सैनेन अभिचरण का कोई विरोध नहीं होता, तत्कस्य हेतु किस हेतु से विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक हो तो अच्छा है, तत्कस्य हेतु हो, प्रश्नवाचक है आपके पुस्तक में, हाँ होना चाहिए, प्रश्नवाचक हो तो अच्छा मालूम पड़ेगा, पूछा जाएगा रे कि तत्कस्य हेतु, भाई किस हेतु से परस्पर में विरोध नहीं हो रहा है, उत्तर दिया गया पुरुष भेदा, क्योंकि दोनों का पुरुष, पुरुष ना अधिकारी, दोनों वाक्य का अधिकारी, दोनों वाक्य का उद्देश्य ही अलग अलग है ना, व्यक्ति अलग अलग है, एक तो अहिंसा का पालन करने वाला है उसको उद्देश्य किया न हिंसा सर्वभूतानि, आज जो हिंसा का पालन कर रहा है शत्रु के प्रति द्वेष करता है मार रहा है उसको कह देगा शरण अभिचरण दे देता, तो कहाँ विरोध है, कोई विरोध नहीं होता है नारायण, है ना, आके इसी बात को कह रहे हैं थोड़ा सा। टीकाकार, अभिजित क्रोध आरतय पुरुषाः हैं निषेधे अधिक्रियन्ते, अवजित है ना, अवजित क्रोध आरतय पुरुषाः निषेधे अधिक्रियन्ते, क्रोध आरति वशीकृतास्तु सेनादि शास्त्र इति, अविद्यावत पुरुष विषयतम न अतिवर्तते इति यद उक्तम तदेव स्फुरयति तथा ही। देखो भी जिसने क्रोध रूपी शत्रु को जीत लिया, अवजित क्रोध आरत, आरती मतलब शत्रु बोलते हैं, है ना, चलिए अभिजित अभिजित क्रोध आरति है ना, ये शाम ते अवजित क्रोध आरतय, प्रातिपदिक बनेगा अवजित क्रोध आरति हरि की तरह अथवा मति की तरह, प्रथम भोजन बनेगा अवजित क्रोध आरतय हरि हरि हरय मति मति मतय, ऐसा जो पुरुष अर्थात जिसने क्रोध रूपी हिंसा रूपी शत्रु को जीत लिया, अब उपसर्ग है, ऐसा जो पुरुष है व्यक्ति है हाँ, वो निषेध में अधिकारी बन गया ना, उसको उद्देश्य करेगा कौन वाक्य, न हिंसा सर्वा भूतानि है ना, ये होता है। क्रोधारति वशीकृतास्तु, जो व्यक्ति क्रोध रूपी शत्रु से वशीभूत हो गया है, क्रोध करता है शत्रु को मारना चाहता है हाँ, सहन नहीं होता है शत्रु के उत्कर्ष को देख करके, है ना, तो वो व्यक्ति को कौन उद्देश्य करेगा, सेनादि शास्त्र, सेन जाग का विधान करने वाला शास्त्र उसको उद्देश्य करेगा, है ना, तो परस्पर में कहाँ विरोध हुआ, परस्पर में कोई विरोध नहीं होता है, इसलिए क्या तात्पर्य निकला, इसलिए जो व्यवहार हो रहा है तो अज्ञानी को ही उद्देश्य करता है, ये बात कह रहे हैं, अविद्यावत पुरुष विषयतम, ये जो हमारा कहना है हाँ, इसका अतिक्रमण नहीं हो रहा है, इले अविद्यावत पुरुषोत्तम न अतिवर्तते, इले जहाँ जहाँ पर व्यवहार हो रहा है समझ में ना,
वहाँ पर तो अज्ञान मूलक है, अज्ञानी पुरुष को व्यक्ति को ही विषय करता है व्यवहार। इसलिए यत्र यत्र व्यवहार तत्र तत्र अध्यास, ये व्याप्ति बन जाएगी, है ना। इति यद उक्तम, जो बात पहले कह दी गई थी तदेव, उसी को ही स्फोरयति, उसको ही स्पष्ट करके बोल रहे हैं। स्फोरयति मतलब स्पष्टतया वदति, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। स्फोरयति कैसे, तथा ही भाष्य में आ रहा, देखो तथा ही, तथा ही का मतलब तेन प्रकारेण जानीहि, येन प्रकारेण शास्त्रम अविद्या विषयत्वम नाति वर्तते, तेन प्रकारेण जानीहि, ये तथा ही का अर्थ निकलेगा, समझ में ना। जिस प्रकार से शास्त्र अविद्या वाले अज्ञानी को ही विषय करता है, उसका अतिक्रमण नहीं करता है, ये जो है नियम हुआ है ना, उसी नियम को जानो, तथा ही कर तेन प्रकार जानी ही, जानो। कैसे जानो, हम दृष्टांत दे रहे हैं, सुनो। देखो भाई, कहते हैं भाष्य में, देखो ब्राह्मणो जजेत, शास्त्र कह दे कि ब्राह्मण जाग करे इत्यादि शास्त्राणी, ये जब जो शास्त्र होता है, ब्राह्मण जाग करे, ब्राह्मणत्व कौन है, ब्राह्मण किस में ब्राह्मणत्व है भैया, शुद्ध आत्मा में ब्राह्मणत्व है कि केवल शरीर में ब्राह्मणत्व है, वो शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें क्या ब्राह्मणत्व रहेगा। और शुद्ध आत्मा जो है वो तो सच्चित आनंद है, असंग है, निर्गुण निराकार है, उसमें क्या ब्राह्मणत्व रहेगा। ये जो शरीर जो उत्पन्न हुआ, इस शरीर में जो अध्यास कर रहा है वही ब्राह्मण होता है। एक इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए शरीर में जो अभिमान करता है ना, वही वो अपने को ब्राह्मण मानता है, उसी को शास्त्र उद्देश्य करेगा, उसको जाग करो, ये शास्त्र बोल दिया है ना। इसलिए अज्ञानी को तो विषय किया, ब्राह्मणो जजेत इत्यादि शास्त्राणी, है ना, इस प्रकार के जो शास्त्र है ना। आत्मनि, क्या तात्पर्य निकल रहा है देखो नारायण भाष्य में, आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यास आश्रित्य प्रवर्तन्ते, इस प्रकार के जो शास्त्र है, प्रमाण है उसको ही, उसी में ही प्रवृत्त होता है, उस व्यक्ति में ही प्रवृत्त होता है, मतलब उसी व्यक्ति को ही प्रवृत्त कराता है व्यवहार में। किस व्यक्ति को बोलते हैं, जो अज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, देखो अज्ञानी वही है आत्मा में, आत्मा में जो धर्म नहीं है उसी धर्म को यदि आरोप कर रहा है तो उसी तो अज्ञानी कहा जाएगा। आत्मा में क्या आरोप कर रहा है, देखो वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम, देखो मैं अमुक वर्ण का हूँ, मैं अमुक आश्रम का हूँ, समझ में ना, और मेरी ये आयु है, वयो मेरी ये अवस्था है, मैं बालक हूँ, मैं युवक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये मान रहे कि नहीं, है कि नहीं। ऐसा जो अवस्था विशेष, कहाँ वर्णों से लेकर के अवस्था तक ले लो, वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, वयो विशेष, अवस्था विशेष आदि से और भी कुछ ले लो, उस हैं उसका जो अपने में अध्यास कर रहा है, आत्मा में है ही नहीं वर्णादि, फिर भी मान रहा है, ऐसा अध्यासम आश्रित्य, अध्यास जिस आत्मा में है उसी को ही आश्रय करके ये शास्त्र प्रवृत्त होता है, मतलब उसी को ही शास्त्र प्रवृत्त कराता है, ये बात कह दी गई। थोड़ी टीका देख लो अभी, वर्णों का अध्यास करता है नारायण, कैसे करता है एक बता दिया है, वर्णाध्यास टीका में, राजा राजस्वेन जजेत, देखो अपने को जो राजा मान रहे क्षत्रिय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहिए तो है वर्ण है ना, इसका जो अपने में आरोप कर रहा, क्षत्रियत्व का जो आरोप कर रहा है, वो क्या करेगा, राजस्व जाग करे, इस विषय का ब्राह्मण जो है अध्ययन अध्यापन आदि जाग आदि सब ले लो,
समझ में ना, इस बेगार जो है वैश्य का ले लो, इस बेगार शूद्र का ले लो। तो सभी लोग वर्ण का आरोप कर रहे कि नहीं, मैं अमुक वर्ण का हूँ। उसी को तो शास्त्र उद्देश्य करेगा। इसी प्रकार आश्रम का अध्यास, आश्रम मतलब ये आश्रम का नाम नहीं कह रहे, साधना सदन आश्रम, प्रेमपुरी आश्रम। आश्रम मतलब क्या है, ये है ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ है, संन्यास है, और उससे पहले क्या वानप्रस्थ है, इसको ले जाओ आश्रम से, है ना। तो उसको उद्देश्य कर रहा, देखो भाई गृहस्थ सदृशीम भार्या बिंदेत इत्यादि ही। देखो लेके दिया गृहस्थ के लिए, कह दिया गृहस्थ सदृशीम भार्या बिंदेत, हाँ जो गृहस्थ व्यक्ति है जिस वर्ण का हो है ना, उसी वर्णीय भार्या का ग्रहण करे, नहीं तो वर्ण संकर हो जाएगा भी। इसलिए अपनी सदृशी भार्या को ही ग्रहण करे। आजकल तो कोई मानता ही नहीं है, सब सब अंधविश्वास है। इससे क्या होता है, कोई भी सुंदर होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, उसको ग्रहण कर लो। ऐसे नहीं, शास्त्र कहता है कि विरोध है, दो सकेगा। तो गृहस्थ सदृशी भार्या बिंदे, हाँ अपने सदृशी भार्या को ग्रहण करे। कौन ग्रहण करेगा भाई, गृहस्थ। अरे गृहस्थ पहले बनेगा कि विवाह करने के बाद बनेगा, क्या कह रहे हैं, गृहस्थ सदृशी भार्या को ग्रहण करे, हाँ तो कौन कौन करेगा, अविवाहित ग्रहण करेगा कि विवाहित ग्रहण करेगा। विवाह होने के बाद गृहस्थ होगा कि पहले से गृहस्थ होगा भाई, क्यों राजू कौन गृहस्थ होगा, हाँ तो लेकिन ये तो पहले ही बोल रहे हैं गृहस्थ ग्रहण करे। हाँ ठीक ठीक ठीक, आगे गृहस्थ बनूंगा मान रहा है कि नहीं, है कि नहीं, अभी विवाह न होने के बाद भी आगे मैं गृहस्थ बनूंगा, अभी मान रहा है कि नहीं मान रहा है तो अभ्यास तो हो रहा है कि नहीं। विवाह होने के बाद मैं गृहस्थ हो जाऊंगा, पहले से सोच लेता है वहां पर ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, वहाँ पर बेडरूम होगा, ये होगा, है कि नहीं, ये सब पहले से कल्पना कर लेता है कि नहीं, संकल्प कर लेता है। इसको कहते हैं भावी संज्ञा, इसको कहते हैं भावी संज्ञा। जैसे कह दिया कि जो है देवदत्त ओदनम पचती, अरे भी वो पकने के बाद उसको ओदन कहा जाता है, चावल चावल चावल, हिंदी में भी चावल बोलते हैं, समझ में न। तो ओदन संस्कृत में कहते हैं, पका हुआ जो भात है उसको कहते हैं ओदन, और उससे पहले बोलते हैं तंडुल बोलते हैं उसको, पका था तंडुल को फिर भी वो हाँ चावल बना रहा, हिंदी में बोलते हैं, अरे बनने के बाद चावल होता है ना कि। इसी प्रकार संस्कृत में कहते देवदत्त ओदनम पचती, उसको पकने के बाद उसका नाम ओदन हो जाता है। अथवा जो है अस्य सूत्रस्य साटकम वय, हाँ वो कपड़ा लिया और तो पहले धागा लिया, बोल दिया इसको साड़ी बुन लो, अरे बुनता तो धागा को ही बुनता है, इस पर कपड़े का भी ले लो, ये कह दिया कुर्ता सिला दो, अरे कुर्ता कहाँ सिलाता है, तो कपड़े को ही सिलाता है, फिर भी सिलाने के बाद उसका नाम कुर्ता हो जाता है। इसको कहते हैं भावी संज्ञा। जैसे व्याकरण में आया एक अण है संप्रसारणम, ये संप्रसारण, यण के स्थान पर एक करोगे तब उसको संप्रसारण करोगे, फिर भी पहले से कहते हैं जो संप्रसारण है वो भावी संज्ञा है, ठीक है ना। इसी बार कह दिया विवाह होने के बाद गृहस्थ हो जाएगा। इसलिए बोल दिया भावी संज्ञा को लेकर, गृहस्थ सदृशी भार्या बिंदे, तो कहने का अभिप्राय है गार्यस्थ धर्म आत्मा में है ही नहीं, सुषुप्त में चला जाते हो कहाँ तुम गृहस्थ रहे बताओ, ना तुम ब्रह्मचारी रहे ना गृहस्थ रहे, आत्मा का धर्म नहीं है गृहस्थ गार्यस्थ, फिर भी गार्हस्थ धर्म का आरोप कर रहा है। ये हो गया आश्रम का अध्यास। इसी पे अगर सन्यास की भी ले लो, सोने के बाद कौन ब्रह्मचारी कौन सन्यासी है, सब बराबर ही है। फिर भी जो सन्यास का आरोप करता है वो भी अध्यास ही है। बोयो अध्यास, बोयो का अध्यास क्या है, नारायण देख रो कृष्ण केशो अग्रिन आदधेत, वहां पर कहा पुत्र जात कृष्ण केशो अग्निन आदधित, अग्नि का आधान करे,
कृष्णा केशव, जिसका बाल काला हो, काला से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, वो तो बचपन में भी किसी किसी का सफेद हो जाता है। तो कृष्णा केशव का अर्थ केश काला हो यह अभिप्राय नहीं है, मतलब पुत्र उत्पन्न होने के बाद, मतलब गृहस्थ होने के बाद, मतलब युवावस्था नहीं है ना, 30 30 साल ऊपर होने के बाद, इसको कहते हैं कृष्ण केशव, वो अग्नि का आधान करे। ठीक है, तो आयु का हुआ ये। अवस्था अध्यास, अवस्था का आरोप हो रहा है, देख लो कैसे भी। अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम जलादि प्रवेश नाम प्राण त्याग। देखो ये शास्त्र में विधान है भाई, जलादि प्रवेश न प्राण त्याग, जलादि में प्रवेश करके प्राण का त्याग कर लो। क बोलते हैं ऐसी अवस्था हो जाने पर, कैसी अवस्था? अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम, जिसकी जो व्याधि है ना, रोग, कुछ भी कर लो वो रोग नहीं जा रहा है, बहुत असाध्य रोग हो रहा है, असाध्य रोग हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है कि नहीं? सारे जो है विश्व में घुमा दिए तब भी रोग नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा बेचारा फिर? जलादि में प्रवेश करके, गंगादि में प्रवेश करके प्राण का त्याग कर लो, तो को नहीं लगेगा शास्त्र। हाँ, नहीं ले, ऐसी अवस्था हो तो, समझ में नहीं, ऐसी अवस्था यदि हो तो, कैसी अवस्था? अप्रतिसमाधेय व्याधि नाम, जिसकी व्याधि अप्रतिसमाधि हो, मतलब प्रतिकार नहीं हो रहा है, तब। ऐसा नहीं कि कोई गाली दे दिया, डांट दिया, जागरे गंगा जी में कूद गए, ऐसा नहीं। ऐसी अवस्था हो तो जलादि में प्रवेश का विधान किया गया। ठीक है भाई, अच्छा। आदि ग्रहणम, वहाँ पर आदि कह दिया ना, कि जो है ये भगवान भाष्यकार ने कहा था, वर्णाश्रम वयो अवस्थादि, आदि शब्द से इसको ले लो, आदि ग्रहण। महापातको उपपातक संकरीकरण अपात्रीकरण मलिनीकरणादि अध्यासो उपसंग्रहार्थम, इसका भी उपसंग्रह करने के लिए आदि दे दिया। जैसे ये वर्णाश्रम का अध्यास हो रहा है, इसका भी अध्यास हो रहा है भैया। महापातक, महापातक बोलते हैं ब्रह्म हत्या वगैरह, ब्राह्मण की हत्या कर दिया, सुरापान कर दिया, चोरी कर दिया, है ना? तो जो है ये जो है ऐसे आपके श्लोक में दिया हुआ, हिंदी में भी सब दे रखा है, सब महापातक बोलते हैं, है ना? मनुस्मृति में सब दे रखा है भैया। अच्छा, जैसे गुरु माता, ये गुरु माता है, उसे कुदृष्टि हो, ये सब महापातक होता है ना भाई? और उपपातक होता है, गौ की हत्या कर दिया, माता पिता का त्याग कर दे, आजकल तो ये ज़्यादा ही चल रहा है, आजकल अधिकतर उपपातक ही है ना? माता पिता का बहुत त्याग करते ही है, और क्या, तो उसको कहा जाएगा उपपातकी। संकरीकरण, संकरीकरण क्या होता है? जैसे गधे की हत्या है, अश्व की हत्या है, ये सबको कहते हैं संकरीकरण, है ना? और अपात्रीकरण क्या होता है? जैसे जो है निंदित व्यक्ति से धन ग्रहण कर लो, हैं, शूद्र के, शूद्र से संबंध रखो, शूद्र से सेवन करो, भोजन आदि ग्रहण करो, इसको कहते हैं अपात्रीकरण। शूद्र आदि का भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। मलिनीकरण, अरे विदेश में जाएगा तो क्या होगा, वो म्लेच्छ का ही सब ग्रहण हो रहा है। तो दोस्तों यही सब मलिनीकरण, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की हत्या, ये सब मलिनीकरण, ये सब भी अध्यासी है, जो अपने को मान रहा है तो अध्यासी तो है। तदेवम, तात्पर्य क्या हुआ? आत्मा अनात्मनो हो परस्पर अध्यास आक्षेप समाधानाभ्याम उपपाद्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन च दृढ़ीकृत्य तस्य अनर्थ हेतुताम उदाहरण प्रपंचेन प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपम् उक्तम् स्मारयति
अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिर इति अवोचामा, ये बोल दिया। इसके ऊपर हम आगे करते हैं, इस पंक्ति के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।